आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं। मनिंद्र अग्रवाल वो नाम जिन्होंने कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा रिसर्च किया, इस बात पर रिसर्च किया कि कोरोना की गति पूरे देश में कैसी होगी, किस तरीके से वो फैल सकता है और किस तरीके से कंट्रोल में आएगा। जितने भी प्रेडिक्शन इन्होंने गणना इन्होंने की वो लगभग सही होते रहे कि कब कोरोना बढ़ेगा, कब कोरोना कम होगा, किस राज्य में इसकी क्या स्थिति है। इस वक्त हमारे साथ खुद मनिंद्र अग्रवाल हैं जो कि प्रोफेसर आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर विभाग में हैं। सर स्वागत है आपका। ये बताइए सर कि इस वक्त कोरोना की स्थिति पूरे देश में दिखाई दे रही है, धीरा थोड़ा थोड़ा बढ़ता दिख रहा है, 4 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, 40 से 50 हज़ार के बीच में प्रतिदिन केस आ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये खतरे की घंटी है या फिर कहीं हम कंट्रोल की स्थिति में पहुंच रहे हैं? जी अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई खतरे की स्थिति दिख है। इसका नंबर ऑफ केसेस मुख्यतः केरल प्रदेश में है, अगर उसको हटा दिया जाए तो बाकी भारत में केस की संख्या काफ़ी कम है, 10,000 या उससे भी कम। और जो हमारा मॉडल है सूत्रा उसके अनुसार ही अभी तक चल रहे हैं बाकी प्रदेश, केवल केरल में संख्या बढ़ी है और उसका कारण भी स्पष्ट है कि केरल में इम्यूनिटी का स्तर इस समय काफ़ी कम है दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा में। ICMR का सेरो सर्वे जो आया था उसमें निकला था कि जून तक केवल 45% लोग इम्यून थे वहाँ, जबकि प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब 70% से भी अधिक इम्यूनिटी जहाँ पे थी। तो केरल में कुछ समय और लगेगा इम्यूनिटी की स्थिति बढ़ने में और उसके बाद केरल में भी संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कब तक ये उम्मीद की जाए कि ये जो कोरोना है इस पर काबू पाया जा सकता है इस देश में, क्योंकि अगर केरल की वजह से बढ़ रहा है तो भी देश में खतरे की घंटी तो है ही। हाँ, केरल में मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के बीच में स्थिति काबू में आ जाएगी और बाकी प्रदेशों में तो काबू में अभी है ही, तो अक्टूबर नवंबर तक स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में होनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोगों ने दूसरा वेव देखा, देश ने जो झेला, इसके बाद क्या तीसरे वेव की भी गुंजाइश है? तीसरे वेव की संभावना यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहता है मुख्यतः देश में तब संभावना कम दिखती है, यदि कोई नया वेरिएंट आता है जो डेल्टा से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला हुआ तब एक और वेव आ सकती है, और किस प्रकार की आएगी, कहाँ तक उसका पहुँच होगी, ये निर्भर करता है पूर्ण तरह से कि किस प्रकार का वेरिएंट है। क्या वो इम्यूनिटी जो अभी हमारे सब काफ़ी हद तक लोगों में बन गई है, क्या वो इम्यूनिटी उस नए वेरिएंट के लिए कारगर होगी, किस हद तक कारगर होगी, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसका कि जवाब किसी के पास इस समय नहीं है। सर लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है, डेल्टा, डेल्टा प्लस, अगर यही तक रहा तो क्या जो हमारा वैक्सीनेशन है या जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है उससे माना जाए कि अगर यहीं तक रहता है तो कंट्रोल में रहेगा? हाँ, अगर डेल्टा वेरिएंट ही मुख्यतः रहता है, डेल्टा प्लस या डेल्टा, तब मुझे नहीं दिखता कि आगे कोई बहुत अधिक संख्या बढ़ेगी।